ट्विन टावर गिराने का बहुत बड़ा असर होने वाला है। इस असर से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। विस्फोट के बाद इलाके में क्या असर पड़ सकता है, इससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तीन दिन बाद इस टावर का वजूद मिटने वाला है। कुछ घंटों का मेहमान है ये ट्विन टावर। तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रशासनिक महकमा तैयार है, बिल्डिंग में बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही ब्लास्ट के इलाके में पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सावधानियां भी बता दी गई हैं। पूरी हो गई है। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50,000 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो सीएनडी प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। 28 अगस्त को होगा आखिरी इंस्पेक्शन। बताया जा रहा है कि विस्फोट के पहले टीम 28 अगस्त की सुबह एपेक्स की 32वीं मंजिल तक आखिरी बार जाएगी। ट्विन टावर्स को धराशायी होना है, उससे पहले 7,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। खास बात यह है कि इलाके में स्ट्रीट डॉग्स का भी ख्याल रखा गया है। जो नोएडा के ट्विन टावर्स हैं, वो विस्फोट के द्वारा रविवार के दिन टूटने वाले हैं। ऐसे में जो नोएडा के जो रेजिडेंट्स हैं सोसाइटी के, वो सभी लोग यहाँ से, आप गाड़ी आप देख सकते हैं कि जो पेट लवर्स हैं वो लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि सड़क के ऊपर और आसपास के सोसाइटीज में रहने वाले जो डॉग्स हैं उनको इस तरीके से जो गाड़ी है उसमें इन सभी को यहाँ पर लेकर के ये लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की ये चिंता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो इंसान हैं, वो तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन फिर उनके जाने के बाद में जो ये लोग फीड करते हैं, आखिर इन जो डॉग्स का क्या होगा। ऐसे में हम बात करते हैं उन रेजिडेंट्स के साथ में जो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। सही जी, ये बताइए कि कैसे ख्याल आया कि आप लोग ये कार्य आप लोग कर रहे हैं? भाई, ख्याल इसलिए आया कि इंसान तो अपना कर लेगा, जानवरों को कौन देगा। जो फीडर्स हैं यहाँ पे, हम लोग जो खिलाते हैं सब ध्यान रखते हैं, उन लोगों को ध्यान आया कि इनको बोला कि यहाँ से शिफ्ट करते हैं क्योंकि इनको कोई देखेगा नहीं। करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक धूल का गुबार उठेगा। इतना ही नहीं, गुबार चारों तरफ भी फैलेगा। टावर गिराने वाली कंपनी ने धूल को कम करने के लिए टावर को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका है। इसके अलावा चारों तरफ से फाइबर के पर्दे भी लगाए गए हैं। धूल पर पानी की बौछार भी की जाएगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ट्विन टावर से परेशानी की बात की जाए तो आसपास के मकानों में दरार पड़ सकती है, खिड़कियों के शीशे फूट सकते हैं, मकानों के पिलर्स कमजोर हो सकते हैं, वायु प्रदूषण 5 गुना बढ़ सकता है। 30 मिनट तक 500 मीटर में धूल का गुबार रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर तक वायु प्रदूषण का असर दिखेगा। करीब 30,000 टन मलबा निकलेगा। मलबा साफ करने में 3 महीना लग सकता है। वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। प्रदूषण के असर को कम करने के लिए काफी तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे पहले तो डेट 28 की डिसाइड हो गई, 2:30 बजे ये ब्लास्ट होना है। उसके बाद पोस्ट डिमोलिशन के लिए मैडम ने जो भी कहा कि भाई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स 150 से ज़्यादा लेबर, उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर्स विद ट्रैक्टर्स, सो ऑल हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मैडम टू देयर जूनियर ऑफिसर्स टू डिप्लॉय आफ्टर द पोस्ट डिमोलिशन इमीडिएटली वंस वी गिव द ऑल क्लियर साउंड। टावर गिरते वक्त ही धूल का गुबार नहीं उठेगा, बल्कि टावर गिरने के बाद जब इसका मलबा उठाया जाएगा उस दौरान भी धूल उड़ेगी। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने के लिए 90 दिन का वक्त लिया गया है। तैयारी पूरी है और अब बस इंतजार है 28 अगस्त का, जिस दिन ये गगनचुंबी इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। और इसके साथ ही भारत में ध्वस्त अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में इतिहास बन जाएगा। मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।